जय बोले हर हर महादेव, जय बाबा मणिमहेश जी की। गैस रात हो गई थी कल बहुत ज़्यादा और हल्की हल्की हो गई थी बारिश, तो हमने आपको दिखाया कि हमने यहीं पे कहीं पे टेंट वगैरह लगा लिया हुआ है। अब मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ गैस कि ये जो पास में नियर बाय एरिया है ये कैसा है और हम कहाँ करके रुके हुए हैं। ये देखिए टेंट के अंदर टेंट लगाया गैस हमने, कुछ और नहीं किया हुआ, टेंट के अंदर टेंट लगाया हुआ है। इससे बेटर और क्या हो सकता है गैस, इतने अच्छे लोग बाहर भी नहीं जाने दे रहे, मतलब ब्रश भी नहीं करने दे रहे, बोल रहे हैं अब भी लो पाजी, अब भी लो, जब बाद में कर लेना ब्रश वगैरह। ये है अपना आशियाना आज का, ये रही हमारी नगीनी, और जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगा ना, जिस वजह से मैंने यहाँ पे कैंप करा, दैट वाज दिस मंदिर, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा सुना है मैंने कि भूत प्रेत रहते हैं, तो मैं मानता भी हूँ, तो इसीलिए मंदिर था, तो उसके साथ में ये वाली जगह थी और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था। वैसे भी बोर्ड का कोई दिक्कत नहीं था, पीछे दो तीन दुकानें थी बट मंदिर यहीं था, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग रुक गए। और अभी तो यहाँ पे कई लोग आ गए हुए हैं, ये लोग हैं गैस जिन्होंने ना ये कांगड़ा से आए हुए हैं स्पेशल ट्रैवलर लेके, और यहाँ पे 8 से 9 लोग हैं और यहाँ पे ये लोग चाय पकौड़ा वगैरह दे रहे हैं। वो जगह याद है गैस जहाँ पे हमने रात को अपनी बाइक वॉश करी थी, और ये वो दुकान जिसके पास में खड़े होकर हम लोग ब्लॉग कर रहे थे। वो बंदा 250 रुपया लेता है एक बाइक वॉश करने का, 250 रुपया गाड़ी का, तो पूछा नहीं मैंने अभी के लिए, अब तो मारेगा वो। एंड गैस ये जो नदी है ना, इस नदी ने मैन रात के टाइम पे ना सोते टाइम इट वर्किंग लाइक का ऐसे लोरी सुना रहा था ना कोई, पूरी रात ऐसे हल्का 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 तर 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 तर, ये जो आवाज़ आ रही है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुकून था। मतलब मैं तो आगे से ये करने वाला हूँ कि अगर कैंपिंग वगैरह कर रहा हूँ ना नदी के साइड पे करूँगा, हालांकि बीच बीच में कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है बट वो देख लेंगे। तो गाइस अभी के लिए हम लोग सामान वगैरह अपना जो है वो बांध रहे हैं, और ये स्लीपिंग बैग मैन, मैं पहले सोच रहा था कि इसको नहीं लेके जाता हूँ, चादर वगैरह लेके जाता हूँ, बट जो रात को ठंड हुई है और इस स्लीपिंग बैग ने जो मुझे बचाया, ऊपर से है भी ये फौजी वाला, 5 डिग्री तक ये चल जाता है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड भरमौर बच गया हुआ है अप्रॉक्सीमेट 50 किलोमीटर। ये एरिया दिख रहा है यहाँ पे, वो गाड़ियाँ धो रहा है, यहाँ पे हमने रात को बाइक धोई है, अब वो हर एक बंदे से पैसे ले रहा है। दिस इज ऑल्सो अ डैम, छोटा डैम, भरमौर रह गया गैस सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर। सस्पेंशन ब्रिज नहीं है बट अच्छा है, बट अभी तक का सबसे बेस्ट अगर कोई ब्रिज बोलो ना जहाँ पे मैं गया हूँ, तो वो है चिचम ब्रिज। चिचम ब्रिज जानते होंगे सब लोग, जो लोग भी ट्रैवलर्स हैं, वाटरफॉल, छोटा सा वाटरफॉल। नीचे जो नदी जा रही है ना ग्रे कलर का पानी है इसका, मतलब पहाड़ों की जो मिट्टी होती है ना, पहाड़ों का कलर होता है पत्थर वाले, जो चिकनी मिट्टी होती है वैसा वाला कलर है पूरे पानी का, बढ़िया पानी भी साफ होगा गैस। और ये कर्वी कर्वी सा रोड है, हमको ये वाला पकड़ना है ऐसे 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 ऐसे। अभी गैस जो टाइम हो गया ना वो 12 बज गए हुए हैं, और 1 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे भरमौर, एंड फिर 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा हमें बरमानी माता जाते हुए, फिर आधा एक घंटा लग जाएगा हमें 84 मंदिर जाते हुए, और ये सब में 3 से 4 बज जाएंगे, और 4 बजे के बाद अगर लगा हमें कि हाँ अब चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, वैसे कोशिश करेंगे कि आधी चढ़ाई आज के दिन हम कवर कर लें, क्योंकि जन्माष्टमी है, तो वैसे तो रात तो निकल गई लेकिन मनी अगर दिख जाए तो जन्माष्टमी और राधाष्टमी पे तो 100% दिखती ही दिखती है। लेट हमने होना नहीं था, सुबह सुबह जब मैं उठा ना, मेरे को वो जो लोग पकौड़े चाय वगैरह देने के लिए आए उनमें से एक बंदा बना रहा था डबल, और हमने थोड़ा सा फूंक लिया तो हम हो गए थे बंड, तो इसीलिए 1-2 घंटे का हमने रेस्ट कर लिया, तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। पीछे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ था हल्का सा, और जैसे ही मैं आया तो उसके 10 मिनट बाद उन्होंने वो ओपन कर दिया, तो ठीक होता है, मतलब जिस हिसाब से जो भी होता है वो भी। नीचे पानी का प्रेशर देखो, पानी नहीं मानता गाइस, ये जो आपको खाली खाली एरिया दिख रहा है ना, एक टाइम आता है जब ये पूरा ऊपर ऊपर तक भरा होता है। आग पे कहते हैं आप लोग फिर कंट्रोल पा सकते हो, पानी पे आप लोग कंट्रोल नहीं पा सकते, पानी सब ले जाएगा, शहर के शहर तबाह कर देता है। रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये ऊपर से मलबा आता रहता है तो टूटा हुआ है थोड़ा सा, ये तो फिर ठीक है, अभी जो भरमौर से बरमानी माता जी का रास्ता आएगा उसकी तो और ज़्यादा थोड़ी सी खस्ता हालत है। ये 3 गाड़ियाँ जा रही हैं, इतनी ज़्यादा धूल उड़ाई हुई है ना उन्होंने, बट क्या करूँ, मैं ओवरटेक करूँगा तो जो मेरे आगे चल रहा है वो भी ओवरटेक का प्लान कर रहा होगा, वैसे गिरने वाले थे। ओ आगे एक्सयूवी चल रही है अपनी, वो भी ब्लैक, वो भी W6, और वो भी जम्मू नंबर मैन, JK02 ब्लैक बुग्गा हमारा, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो ये जो काला रंग है ना गैस, इसकी केयर लोग करते हैं, एक्चुअली केयर करनी पड़ती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है, ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इसका, और अगर छोटा मोटा स्क्रैच हो जाए तो दूर से ना शाइन करता है, बट इस टाइम पे देखो ये गंदी गंदी हुई है ना, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। क्या ये गाड़ी वाले इतने समझदार हैं कि इनकी गाड़ी से धूल लुट रही है और मुझे दिक्कत हो रही है, शुक्रिया हैं, अरे जम्मू वाले अपने हैं ही प्यारे, ये वाले प्यारे हैं वैसे, बाकी लोग नहीं होते। ओहो
2 से 3 केस हो गए गैस। गाड़ी ना लगते लगते बची है बाइक के साथ। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, मेरा रोड से ध्यान हट रहा है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, जब भी मैं ऐसी कोई जगह देखता हूँ ना, मैं उस तरफ देखना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले भी रोड से ध्यान हट गया था, अभी फिर 3-4 बार यही हो रहा है। ये प्रॉब्लम पहले नहीं होती थी रोड से ध्यान हटने वाली। पहले तो मैं मतलब कुछ भी हो, अगर मैं गाड़ी में हूँ तब भी मैं हर एक शीशे वीशे देखता रहता था, हर 10-10 सेकंड में, 5-5 सेकंड में। बाइक पे होता हूँ, मिरर्स देखता रहता हूँ, अब तो मैं देख नहीं रहा, मतलब पहाड़ों में ही खो रहा हूँ। अब जैसे ये सामने गाड़ी चल रही है ना, ऐसे अगर आगे गाड़ी चलती रहे तब कोई दिक्कत नहीं आती, तब मैं इधर उधर भी देखता रहता हूँ तो पता चल जाता है। क्योंकि ये गाड़ी इस तरफ होती है और जो उस तरफ से गाड़ी ओवरटेक कर रही होती है ना, ओवरटेक नहीं आती, जो सामने से आ रही होती है ना, वो ऑलरेडी पूरी की पूरी प्रॉपर राइट साइड पर चली गई होती है। बट ऐसे नॉर्मली अगर कोई आगे गाड़ी, ये देखो जैसे ये है, ये पूरी राइट साइड जाएगी, कितनी स्पेस खाली बची हुई है, ये चीज़ होती है। बट दिक्कत क्या आती है ना, एक तो ये काला धुआं निकाल रही है, दूसरा जहाँ जहाँ कच्चा रास्ता आएगा ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह निकालेगी। किन्नौर वाले रास्ते पर आ गए, ओके। किन्नौर वाला जो रास्ता ना गैस, वो जैसे ये थोड़ा सा बीच में टूट टूट गया हुआ ना, जैसे शेड है, वो ज्यादा है, मतलब ज्यादा बाहर है। वो देख रहे हो गैस, यहाँ भी लैंडस्लाइड हुआ है बट सीधा पानी में गया हुआ है, वो रास्ता नहीं है, ऊपर से पूरा ये पहाड़ गिरा हुआ है नीचे। ये देखो मिट्टी आई है, सूखी मिट्टी पूरी की पूरी नीचे आ गई हुई है। ये होता है जब बारिश होती है ना, बारिश होने के बाद में ये चीज़ होती है। छोटी सी टनल, लाइट भी है अंदर ना। हाँ मारो हॉर्न, मैं रेस देता हूँ। रोर कर डोमिनार, रोर कर। अरे लंबी है क्या, 400-300 मीटर की तो ये टनल भी लगी रही है। नीचे टूटी ना हो बस। नहीं नहीं, यहाँ 150 नहीं मारना राजे, ये 150 होने से पहले ही खत्म होगी, 100 भी ना बजे यहाँ पे। तो पूरा रास्ता गाइस ऐसे ही है, सिंगल रोड है। ये वाला थोड़ा सा बीच में बच्चा आ गया, नहीं तो बीच में टूटा फूटा चल रहा है, अच्छा बीच में खराब, जिंदगी की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, उतार चढ़ाव आ ही जा रहे हैं। बीच बीच में खड्डे आ रहे हैं, बीच में मिट्टी आ रही है, बीच में रोड ही नहीं आ रहा है, बीच में बहुत अच्छा रोड आ रहा है। लाइफ भी हमारी लगभग लगभग ऐसी ही होती है, कुछ टेंशन नहीं लेनी, मस्त जियो। एंड अपना पेट्रोल जो है ना गैस, वो ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है, ये चल जाएगा। अभी तो भरमौर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर बचा हुआ है, तो ये 40-50 किलोमीटर बाइक तो अभी चल जाएगी। दिक्कत क्या हो रही है ना, पहाड़ है तो आपको पता है सेकंड थर्ड मैक्स टू मैक्स फोर्थ गियर पड़ता है, जिसकी वजह से माइलेज जो है ना वो 20 के नीचे आके गिर जाती है। पेट्रोल पंप आ गया मैन, पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल पंप आ गया। नज़ारे आने वाले हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम शायद से ऊपर तक भी लेके जाएंगे बाइक को, भरमौर तक, भरमानी माता तक लेके जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल का थोड़ा सा पहले किल्लत आ रही थी। भाजी 450 गाइस, द पेट्रोल प्राइस हेयर इज 103 रुपीज। चलो जी 400 में 4 डंडे आ गए, मतलब ये चल जाता गाइस अभी भी 40-50 किलोमीटर, बट रिस्क नहीं लेना। एक्चुअली देखो इसका ना, अभी भी इस टाइम पे भी एग्जॉस्ट फैन जो है ना वो ऑन है, कॉन्टीन्यूसली एग्जॉस्ट फैन, हर 2-2 मिनट 3-3 मिनट के बाद एग्जॉस्ट फैन ऑन हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे चल रही है ना, तो बाइक जो है वो ज़्यादा हीटअप करती है। अगर रात को ही हम लोग आ जाते चंबा से भरमौर, तो ये वाला जो व्यू है गैस ये मिस नहीं हो जाता। ऐसे ही रात को चलते हैं तो कुछ भी दिखाई देता नहीं है, कोई विजुअली कोई कुछ नहीं, बस मेरी बातें होती हैं और लाइट होती है, उसका क्या नज़ारा। इसीलिए दिन दिन में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया करेंगे, रात के सफ़र थोड़े से कम करेंगे, खासकर पहाड़ों वाले एरिया के, क्योंकि वहाँ पर व्यू ही तो सब कुछ होता है। ये नज़ारे कुछ ऐसे हैं ना कि नज़र ना रोड पर जा ही नहीं रही, लेकिन नज़र रोड पे जो है वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाएगा। नहीं तो ये आ गया गाइस भरमौर का सेल्फी पॉइंट, और यहाँ से भरमौर जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट देखा आपने कितना अच्छा है इनका, बर्ड्स हाउस, ये देखो, और इसके अंदर दाने और पानी भी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं अच्छा काम करने के लिए, करना चाहिए, इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ये जो कलरफुल घर होते हैं ना, ये इनके नज़ारे अलग है। मैक्लोडगंज में पहले सबसे पहले मैंने ये देखे थे। अभी हमें देखना है कि हमें अपनी बाइक वगैरह और सामान वगैरह कहाँ छोड़ना है, और फिर भरमौर का डिसाइड करते हैं कि बाइक लेके जाते हैं कि भाई टैक्सी जाते हैं, जैसे भी, क्योंकि अब कहीं ना एक जगह पे चेकिंग पॉइंट आएगा जहाँ पे बाइक आगे वो हेलो शायद से नहीं करेंगे। बस यही सब मुझे पसंद नहीं है, ये जो मेन पॉइंट होते हैं ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा जैम मिलता है ना, खासकर यात्राओं के टाइम, और ऐसे भी जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है ना, सब पे यही हाल है। अरे बाइक तो निकलती थी चाचा, एम्बुलेंस है मैन, एम्बुलेंस को जाने देते हैं।
ये प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा से। और लगे हाथ हम भी घुस ही जाते हैं। ये क्या एंट्री द्वार है, हमें कहाँ से जाना है? यहीं से जाना है, गलत तो नहीं आ गया मैं? रास्ता तो नहीं लग रहा है ये।